कटपटीरिया जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। जिस तरीके से अगर अखबारों को उठा के देखा जाए तो कितनी कोरोना की खबरों को यहाँ पे तरजीह दी गई है, और कितनी कोरोना की खबरें भारी हैं बाकी खबरों के ऊपर। जी मैंने आपको बताया था कि कोरोना को लेके जो यहाँ पे जो उसके साइड इफेक्ट है उसको लेके भास्कर ने बड़ी अच्छी खबर छापी है। दूसरा वो रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में जो जांच चल रही है, जिसे कोरोना के मरीजों को बड़ा मुफीद बताया गया था, इस बारे में एक खबर एक नई दुनिया ने छापी है। एक महिला स्वास्थ्य कर्मचारी है, वो एक मरीज एक एक इंजेक्शन तीन मरीज को लगा दी, और ये मामला जो है जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की जांच चल रही है, जो एसटीएफ इसकी पूछताछ कर रही है, उसमें ये मामला सामने आया। मतलब उस समय जो रेमडेसिविर इंजेक्शन और कोरोना के मरीजों को इलाज जो किया गया उसमें बड़ी बड़ी गफलत है, और जो अखबारों में घूम फिर के रोज कोई ना कोई खबर ऐसी छपती है जिसमें मरीजों के इलाज में लापरवाही करी गई थी। और दूसरा यह है कि जो टीकाकरण का मामला है, तो टीकाकरण के मामले में जैसे लोग मैंने अभी बताया कि लोग निराश हुए, तो कई ऐसी पंचायतें हैं जिनको 100% टीकाकरण हो गया, मुख्यमंत्री ने कल उनको सम्मानित भी किया है, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन कोरोना को लेकर जो सबसे बड़ी बात जो उसका जो साइड इफेक्ट है और जो ब्लैक फंगस को लेकर जो नई नई चीजें सामने आ रही है वो बड़ी चिंताजनक है, और इसको अखबारों ने बड़ी प्रमुखता से छापा है। जी बिल्कुल अशोक शुक्ला जी, आपकी तरफ रुक करना।